हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीडियो नंबर सेकंड रहेगा। तो आप फर्स्ट वीडियो तो देखे होंगे, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो की आपको मिल जाएगी लिंक, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो फर्स्ट आप ज़रूर देखिएगा और इसकी ये क्वेश्चन जो की सीरीज है वीडियो नंबर सेकंड है, इसके पहले दो वीडियो इसकी बन चुकी थी थ्योरी की, तो आप वो भी देख सकते हैं। पहले थ्योरी की अगर देख लेंगे तो क्वेश्चन आसान भी लगेगा। तो चलिए हम लोग सेकंड सीरीज क्वेश्चन की वीडियो देखते हैं, जो ये वीडियो नंबर सेकंड है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू हुईज ब्लॉक इज रिलेटेड एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया ना, ये किस ब्लॉक में आएगा। तो पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि किस एलिमेंट का ये है। तो पहले आप ऐसे काउंट कर लेंगे, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 18, 10, 28, 29। तो 29 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होगा, तो एकदम तुरंत जस्ट क्लियर होना चाहिए। तो कापर का 29 होता है। अब कापर पता होना चाहिए किस ब्लॉक में है, यस ब्लॉक में है कि डी ब्लॉक में है कि पी ब्लॉक में है। तो मैंने बताया था कि ये जो कापर होते हैं ये डी ब्लॉक में है, एक्सेप्शन में मैंने बताया था। तो पहले आप ये जान लीजिए ना, जो फोर्थ पीरियड है ना, फोर्थ पीरियड का जैसे ये पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आता है निकेल, निकेल के बाद आता है कापर, कापर के बाद आता है जिंक। तो इतना सबका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम रटा होना चाहिए फर्स्ट पे, तो आप यही जान लीजिए। तो वैसे तो इस फर्स्ट का ऑप्शन नंबर थर्ड डी ब्लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये एक आप रूल के अनुसार ये चलेंगे तो ये सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। व्हेन द, ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द 3d ऑर्बिटल इज कंप्लीट, अगर 3d ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाती है तो न्यू इलेक्ट्रॉन्स विल इंटर इन। अगर 3d ऑर्बिटल आपकी कंप्लीट हो जाती है तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा, किस में इंटर करेगा, तो 4p में करेगा या 4f में या 4s में या 4d में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि पहले ये रूल्स जो आया था एनर्जी लेवल के आर्डर में, सबसेल जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसेल में फिलअप होते हैं, एक आबाउ साइंटिस्ट थे, आप सुने होंगे, कुछ स्टूडेंट तो सुने होंगे कि आबाउ रूल कौन सा होता है। आबाउ रूल ये होता है, BAU आबाउ रूल जो था ना, ये एनर्जी के आर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, सबसेल में फिल होता जाता है, एन प्लस एल रूल फॉलो होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन फिल होता है। एन प्लस एल रूल फॉलो करेंगे आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, चलिए एक कॉन्सेप्ट बता दे लीजिए, चलिए फिर से दोबारा लिख लेते हैं। ये देखिए कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, यस यस पी यस यस पी यस डी पी यस एफ डी पी एस। ये चीज़ हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहाँ जहाँ यस है पहले लिख लीजिए। अब यस में पहले फुल हो जाता है ना, फिर आप 2 से शुरू करिए, 2 से पी देख लीजिए, यहाँ पे पी है, पी के ऊपर 2 लिख लीजिए, यहाँ है पी, 3 लिख लीजिए, यहाँ पे पी है, 4 लिख लीजिए, यहाँ पी 4 लिख लीजिए। अब आप और एक पी आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 4 नहीं 5 लिख लीजिए, और एक पी यहाँ पे दिख रहा है, 6 लिख लीजिए। अब डी की बात आ गई तो यस यस पी यस पी यस डी पी एस, एक डी आपको यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ 2 से शुरू किए थे, अब 3 से शुरू करेंगे, 3d, और फिर यहाँ एक डी दिख रहा है, 3 के बाद 4, अब यहाँ के बाद आपका डी और कहाँ दिख रहा है, 4 के बाद 5, अब आपका यफ दिख रहा है। तो यफ कहाँ से शुरू करेंगे, 3 तो हो गया था, अब यफ को 4 से शुरू करेंगे, तो एक ही 4 है। तो अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3d के बाद किस में जाएगा, तो 3d किस में है, ये देख लीजिए, 3d इसमें था, 3d के बाद आपका 4p में जाएगा,
किस में जाएगा, 4P में। तो क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा साल हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही 52 का करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप याद कर लेंगे ना कि SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, तो यही इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इलेक्ट्रॉन फिल होते हुए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हुइच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस डज नॉट हैव एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इसमें से कौन सा गैसियस नोबल गैस आइटम है, जैसे नोबल गैस में कौन कौन आता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, और हीलियम भी आता है ऊपर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 53 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो हीलियम होता है ना, हीलियम का क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का 2 ही होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 होता है ओनली। तो हीलियम डज नॉट हैव एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p 2 2px 1 में और 2pz 1 में, तो 1s2 2p4 आ रहा है, ऐसे आप लिख सकते हैं 1s2 और 2p4 2 3 4, तो ये चीज़ हो गया। अब 2p4 में किसका जाता है, अब आपको यही पता होना चाहिए कि 2p4 कहाँ से शुरू होता है, कार्बन से शुरू होता है, कार्बन से तो 2 शुरू होता है, नाइट्रोजन से 3 होता है, ऑक्सीजन से 4 शुरू होता है। तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का जब कंप्लीट रहेगा तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एलिमेंट जेड बराबर 7, तो इसमें नाइट्रोजन का पहले आप देख लीजिए 2p3 है ना, 2p2 2 3 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्रस्पॉन्ड किसके, ये क्रस्पॉन्ड है किसका, ये विख्यात कर रहा है। तो 54 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर आप लोग करेक्ट करेंगे। चलिए तो आप, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, 53 हो गया, 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, यहाँ पे यस कर लीजिए, 2s2 2p3, पी पे 1 2 3, तो एकदम नाइट्रोजन का हो जाएगा 1s2, यहाँ पे 2 2 4 4 3 7 7, किसका होता है, नाइट्रोजन का ही होता है एटॉमिक नंबर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, दिस साइज ऑफ ए पॉजिटिव ए निगेटिव फॉलो द ऑर्डर। अब साइज आपको बताना है, तो साइज मैंने बताया था कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, निगेटिव जिस पे लगा रहेगा वो सबसे अधिक होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आप करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें आप करेक्ट करेंगे ये 3rd ऑप्शन, ए निगेटिव, ए फिर ए पॉजिटिव, जिसमें जितना पॉजिटिव रहेगा वो उसका साइज सबसे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो 61 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे, 3rd ऑप्शन, साइज ऑफ एनायन जो होता है ऑलवेज मोर देन प्रेजेंट इन आइटम, ये चीज़ हो जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैज द लार्जेस्ट साइज। अब ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसमें पूछ रहा किसका लार्जेस्ट साइज है, जिसमें सबसे अधिक निगेटिव होगा वही होगा। तो 63 का 3rd देख लीजिए, 3 निगेटिव दे रहा नाइट्रोजन पे, तो सबसे अधिक साइज तो इसी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पेयर इज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही होगा। तो आपको पहले तो एटॉमिक नंबर एकदम रटा होना चाहिए ना, पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, बट एक पॉजिटिव लगा है तो एक आपका घट जाएगा तो 18 बचेगा। अब क्लोरीन का 17 होता है, एक इस पे निगेटिव है, निगेटिव रहेगा तो ऐड हो जाएगा एक, तो 18 हो जाएगा। अब कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन 2 निगेटिव है तो 2 को घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 18 ही इसमें भी बचेगा, तो यही तो सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, देखना है कि किसका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का कौन सा आप लगाएंगे, 4th ऑप्शन देखिए, एटॉमिक साइज जो होता है इंक्रीज होता है जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे डाउन द ग्रुप करेंगे तैसे तैसे आपकी साइज बढ़ेगी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आते हैं, एकदम रट लीजिए, सभी पीरियाडिक टेबल रटे रहेंगे तो आसानी होगी। जैसे देखिए ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, ये 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5 6 7 8, तो ये चीज़ एकदम रटा होना चाहिए ना, तब मज़ा आएगा, तब आपका क्वेश्चन धड़ाधड़ निकलेगा सब।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हु इज एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी पूछ रहा है कि इसमें से किसकी सबसे लोएस्ट होती है, तो 107 का कौन सा आप ऑप्शन लगाएंगे। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये डिक्रीज करती है जैसे, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, 107 का सेकेंड ऑप्शन लगाएंगे, टिन का सबसे कम होता है इस चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें लगेगा, तो ये देखिए जिसमें 3 पॉजिटिव आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4th ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 108 का, क्योंकि इसमें क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें भी देखेंगे तो सबसे अधिक इसमें किसका होगा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इसी का, तो इसमें 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है कि इसमें से कौन है, तो 4th ऑप्शन देख लीजिए, बेरिलियम लिथियम बोरान कार्बन का, यही ऑप्शन नंबर 4th ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज मैक्सिमम फॉर, सबसे पूछ रहा है पोटेंशियल, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसमें से मैक्सिमम किसका होगा, तो जिसकी साइज सबसे कम होगी उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होगा, तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आप हाइड्रोजन लगाइए, हाइएस्ट आयोनाइजेशन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसी की होती है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन हैज आयोनाइजेशन एनर्जी दैन एल्कली मेटल्स बिकॉज, हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होगी दैन एल्कली मेटल से, तो क्यों होती है, तो स्मॉल साइज की वजह से, तो 111 का ऑप्शन नंबर आप 4th लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, तो लेफ्ट टू राइट जब पीरियडिक टेबल में जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे जब आते हैं, ऊपर से जब नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अब इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, तो जो सबसे राइट साइड होगा, लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है, तो आप 112 का अब आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, फास्फोरस, फास्फोरस जो किस ग्रुप का होता है, वो 5 ग्रुप का होता है, नाइट्रोजन फैमिली का, तो सबसे अधिक तो यही है, मैग्नीशियम आपियस ब्लॉक का हो जाएगा, एल्युमिनियम है लेकिन बोरान फैमिली का है, सिलिकॉन भी, तो सिलिकॉन कार्बन फैमिली का, बट तो आपका फास्फोरस ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि राइट साइड में सबसे अधिक यही है। इन द फॉलोइंग 4 एलिमेंट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ व्हिच वन इज द हाइएस्ट। अब इसमें कह रहा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका अधिक है चारों में, तो 113 का ऑप्शन नंबर आप किसका लगाएंगे, ऑप्शन नंबर लगाएंगे जिसमें कम्प्लीटली फिल्ड होगा ना आउटर मोस्ट सबसेल में, तो उसी इस आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसी का सबसे हाइएस्ट होगा। तो आर्गन का देखिए, आर्गन कहाँ पे आता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, जो इनर्ट गैस होते हैं ना, उनकी क्या होती है सबसेल फुलफिल होती है, तो उसी का सबसे अधिक होगा, तो इसमें आप आर्गन लगाएंगे सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें आयोनाइजेशन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाईएस्ट होगी, तो इसमें देख लीजिए पी आर्बिटल जो होता है यह हाफ फील्ड है, तो इसी के सबसे अधिक होगी, नाइट्रोजन इसमें आता है 1s2 2s2 2p3, तो फुल हाफ फील्ड की वजह से इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक है, क्योंकि पी आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना सबसे कठिन होगा, तो ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो ऑप्शन नंबर 1st ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट इन, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है किसमें हाईएस्ट है, तो इसमें देख लीजिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें 3s2 3p3, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है और इसमें हाफ फील्ड ही है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन ड्यू टू, क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो हाई होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि हाफ फील्ड की वजह से, हाफ फील्ड 2p सबसेल की वजह से, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1st ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1s2 2s2 और 2p3 होता है किसका होता है, ये नाइट्रोजन का होता है, और ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो 2p4 हो जाता है, लेकिन 2p3 हाफ फील्ड होता है, क्योंकि p में 3 सबसेल होते हैं और इसमें 3 सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड है, तो वो भी स्टेबिलिटी शो करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फोर एलिमेंट द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ व्हिच वन इज द हाईएस्ट, व्हिच ऑफ द फोर एलिमेंट दिया गया है आयनाइजेशन पोटेंशियल इनमें में से एक का सबसे हाईएस्ट किसका होता है, तो 117 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए आर्गन सही हो जाएगा क्योंकि ये फुल फील्ड शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा इसमें, तो सीजीएम का जो होता है वो सबसे टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम हो जाएगा, तो सीजीएम तो सबसे नीचे ही होता है ना, सीजीएम जब फर्स्ट ग्रुप में जाएंगे लिथियम के बाद सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजीएम एकदम नीचे है तो सीजीएम का ही सबसे कम होगा ना क्योंकि ऊपर से नीचे घटता है। पीरियाडिक टेबल एकदम जब अच्छे से आएगा तभी ये सब क्वेश्चन एकदम मजा आएगा, तो पीरियाडिक टेबल सामने रख के फिर ये क्वेश्चन सब सॉल्व करिए और पीरियाडिक टेबल रोज दीवार पे चिपकाइए और डेली 10 बार उसको देखिए ध्यान से, तो 10-10 मिनट देंगे, 1 घंटा देंगे, एक हफ्ता अगर 1-1 घंटा आप दीवार पे चिपका के पीरियाडिक टेबल पे दे देंगे ना तो 1 आवर्स दीजिए एकदम समझिए 1 हफ्ते में आप मास्टर हो जाएंगे, तो ये चीज़ करिए अभी टाइम भी है कर लीजिए, तो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में गलत भी नहीं होगा, तो वो आपको पॉजिटिव दे देगा। जैसे देखिए 119 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन फॉर द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किसका होगा, मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म, मैक्सिमम टेंडेंसी होती है फॉर्म करने के लिए यूनिपॉजिटिव आयन, तो 109 का 119 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसकी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना वही मैक्सिमम टेंडेंसी रखता है लूज इलेक्ट्रॉन करने के लिए, तो पॉजिटिव तभी आएगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, तो ये तो 3p1 है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे आयनाइजेशन एनर्जी इसी की सबसे कम होगी, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड 119 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच हैज लार्जेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लार्जेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसमें से किसका है, तो 120 का जब लगाएंगे लिथियम जो होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लार्जेस्ट होती है क्योंकि ये सबसे स्मॉल साइज का होता है ना लिथियम, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीरियाडिक टेबल है ज़रूर आप परचेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट 121, इन द पीरियाडिक टेबल में ऑन मूविंग अलॉन्ग पीरियड जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल अब बताइए, मैंने तो काफ़ी बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में, तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट जब पीरियाडिक टेबल में जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा 121 का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा ना, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल कह रहा है, सेकेंड ग्रुप की बात कर रहा है, एल्कली की बात नहीं कर रहा है, एल्कलाइन, एल्कली पढ़ने में छोटा लगता है, एल्कलाइन पढ़ने में बड़ा लगता है, तो एल्कलाइन को सेकेंड करिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल हैज द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैज द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, लोएस्ट इसमें से किसका है, तो इसमें देख लीजिए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम ये सब सेकेंड ग्रुप के हैं, तो इसमें से कह रहा है किसका लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, तो अब इसमें देख आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे ना वो डिक्रीज होता जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आप एकदम नीचे है बेरियम, तो इसी का सबसे लोएस्ट हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, एकदम अच्छे से देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमंग एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स का मीन्स का फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा है, एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप मेटल मोस्ट रिएक्टिव, सबसे फर्स्ट एल्कली मेटल में फर्स्ट ग्रुप में सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है, तो जिसका वही रिएक्टिव होगा जिसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा लोएस्ट होगा, तो 123 में कौन सा ऑप्शन अब लगाएंगे, इसमें फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए सीजीएम जो होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है क्योंकि उसकी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि वो सबसे नीचे होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट अमंग आइटम्स, इसमें से कॉन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा आइटम किस आइटम की, ऑफ एलिमेंट हैविंग द हाइयर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, वो कौन सा इसमें शो कर रहा है जिसकी हाइएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, तो 127 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड देख लीजिए, थर्ड सेकेंड की बात कर रहा है तो थर्ड देख लीजिए 3s, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा,
थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। अब कौन सा इसमें एग्जिबिट मतलब एग्जिस्ट नहीं करता पीरियोडिक टेबल में, तो ये देख लीजिए एनपी एन अपॉन पी रेशियो एग्जिस्ट नहीं करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड ये बात कह रहा है। नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी, एटॉमिक रेडियस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरान कार्बन नाइट्रोजन में। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखना है, 129 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हाफ फील्ड फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही देखा जाएगा, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा देख लीजिए कौन सा सही है, तो सेकंड देख लीजिए नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होता है, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का 2p2 हो जाता है और बोरान का क्या होता है 2p1 हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 130 देख लीजिए, 130 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज करिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऑर्डर में आपको ये क्वेश्चन फिट करना है। तो फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन और फास्फोरस, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, तो बेरिलियम हाइएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा बेरिलियम का, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एकदम सिंपल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो आपको हैलोजन फैमिली से सब हैं चारों, तो आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांगेस्ट कौन सा होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है बट आपको एकदम रटा होना चाहिए यह क्वेश्चन, अगर रटे रहेंगे तो ज़्यादा कुछ करना नहीं रहेगा, तो फ्लोरीन जो होता है ना EF2 वो स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, द लिक्विफाइड मेटल एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विफाइड मेटल कौन सा है एक्सपेंड हो जाता है सॉलिड से सॉलिडिफिकेशन में, तो 199 का कौन सा ऑप्शन आप अब करेक्ट करने वाले हैं, तो ये देखिए गैलियम जो होता है एक्सपेंड होता है ऑन सॉलिडिफिकेशन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज केमिकली मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल, इसमें से कौन नॉन मेटल है जो मोस्ट एक्टिव है, केमिकली मोस्ट एक्टिव है, तो देखिए बताइए कौन सा है, इसमें फ्लोरीन जो होता है केमिकली मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल होता है फ्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लगाइए, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन सही है, वैसे तो नॉन मेटल सब हैं इसमें बट फ्लोरीन जो है वही केमिकली मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्लोरीन ग्रुप में पीरियोडिक टेबल ऑन गोइंग डाउन, अगर आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में डाउन जाएंगे ऊपर से नीचे तो क्या होगा, तो ये देखिए आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है, एकदम सही बात है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पहले किसका अधिक होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है ये ऑर्डर आप लिख सकते हैं, सबसे अधिक एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का सबसे कम होता है और एस का सबसे अधिक होता है, तो इसमें कह रहा है डी का, ये देख लीजिए यही डी की बात कर रहा है, तो इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन, ये जो डी इलेक्ट्रॉन होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट ये किसके बराबर होता है, पी के, नहीं गलत है, मच मोर देन पी, पी से अधिक होता है, नहीं, सेम एज एफ, एफ के सेम होता है, नहीं, लेस देन पी, पी से लेस होता है, तो सही बात है, देखिए पी से लेस नहीं है, पी डी से अधिक पी का ही स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द एल्कली मेटल्स व्हिच इज लिक्विड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्कली मेटल्स लिक्विड हो जाता है, कौन सा होता है, सोडियम होता है या पोटेशियम होगा या सीजियम, नहीं इसमें से कोई नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तो ये अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें एल्कली मेटल्स लिक्विड 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई नहीं लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए द ऑर्डर इन व्हिच ही फॉलोइंग ऑक्सीडाइज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग बेसिक नेचर के अनुसार आपको ये बताना है, तो
ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन देखिए, Na2O, MgO, L2O3, CuO। तो 204 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिक नेचर जो होता है वो Na2O का सबसे अधिक होगा, फिर MgO, फिर L2O3, फिर CuO। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है ना, तो Na2O का अधिक हो जाएगा, फिर MgO का होगा, फिर L2 का होगा, फिर CuO का होगा, बेसिक नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी लाइएस्ट मेटल, मतलब लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियाडिक टेबल, सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है पीरियाडिक टेबल में, तो लिथियम आप लगाइए। 205 का कौन सा ऑप्शन, लिथियम जो होता है लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियाडिक टेबल में, यही होता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म मोस्ट वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, इसमें चारों ऑप्शन आयन जो दिया गया है विल मोस्ट वाटर हाइड्रोक्साइड के साथ वो सॉल्युबल हो जाता है। तो एल्कली मेटल्स लो लैटिस एनर्जी शो करते हैं क्योंकि उनकी साइज जो होती है वो सबसे छोटी होती है। तो 206 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन ही लगाएंगे, क्योंकि पोटेशियम आयन जो होता है ना ये मोस्ट सॉल्युबल होता है हाइड्रोक्साइड, मोस्ट सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होते हैं बिकॉज क्योंकि एल्कली मेटल्स में लैटिस एनर्जी सबसे कम होती है, तो इसकी वजह से। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस आयन कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब भाई साहब, ये मैंने कितनी बार बोला है कि फोर्थ पीरियड का सीजियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक एकदम रटा होना चाहिए। अब मैंने बताया था कि जो आपका आयरन जो होता है ना, जो मैग्नीज होता है 25 जिसका होता है एटॉमिक नंबर, मैग्नीज इसमें सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे, क्योंकि 5 आते हैं ना। अगर आप आयरन का करेंगे तो 3d5 आता है और 4s2 आता है। तो 3d5 जब करेंगे आप, p में कितने सबसेल होते हैं, d में, ये देखिए 3d5 है तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो देखिए ना 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसी में सबसे तो अधिक आते हैं। आप अगर 4 ग्रुप पीरियड की बात करेंगे तो सबसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसी में आते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। ये देखिए, जैसे आयरन का कितना होता है, आयरन का 26 होता है। अब दो पॉजिटिव लग गया, दो घटाएंगे तो यहाँ पे तो 24 आ गया। तो और देखिए यहाँ कोबाल्ट का कितना होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, 27 में से 3 जब घटाएंगे तो आप कितना होगा, 25 26 27 आपका 24 इसमें भी आएगा। अब जब कोबाल्ट यहाँ से घटाएंगे 25 26 27 तो यहाँ पे तो आपका 25 आएगा, बट यहाँ पे 2 में से घट जाएगा ना। तो यहाँ में से आयरन देखिए, आयरन का 26 होता है, आयरन का कितना होता है 26 होता है, और 26 और 3 घटा रहे हैं तो 2 तो वहाँ से घटाएंगे, 1 यहाँ से। देखिए जैसे आप आयरन का निकाल लीजिए, आयरन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d6 होता है, 4s2 होता है, और 3 पॉजिटिव दे दिया तो 2 यहाँ से काटेंगे, 1 यहाँ से काटेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3d5 इसका हो जाएगा। तो इसी का तो सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो फोर्थ ऑप्शन आप एग्जैक्ट करेक्ट करेंगे, अच्छे से देख लीजिए ना, तब ये सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन आर पैरा मैग्नेटिक इन करेक्टर। अब इसमें भी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही देखना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेगा वही पैरा मैग्नेटिक शो करता है। तो आप जब थ्योरी वाला भी देख के आएंगे तो एकदम क्लियर होगा। तो जिंक देख लीजिए, जिंक का कितना होता है, ये तो जिंक में क्या होता है, 3d10 4s2 होता है जिंक का, 3d10 4s2, दो निगेटिव दो पॉजिटिव दिया है, दोनों काट देंगे तो ये तो फुलफिल इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये तो डाई मैग्नेटिक शो करेगा। निकिल क्या होता है, निकिल का 28 होता है, 3d8 होता है और 4s2 होता है। अब इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। और कॉपर का क्या होता है, कॉपर का होता है 3d10 4s1, एक पॉजिटिव लगा 4s1 वाला कट जाएगा, तो ये भी क्या होता है, एकदम फुलफिल्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, इसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लोरीन आइटम डिफर्स फ्राम क्लोराइड 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 मीन्स आपका निगेटिव लग गया। क्लोरीन आइटम जो है ये डिफर है किससे, क्लोराइड आयन से, इन द नंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से क्लोरीन क्लोराइड से डिफर है।
तो आप क्लोरीन का प्रोटॉन निकाल लीजिए, प्रोटॉन निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप जब देखेंगे तो क्लोरीन में जो प्रोटॉन होगा ना, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि क्लोरीन का कितना होता है, तो 17 होता है। तो प्रोटॉन भी 17 होगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी आपका 17 होगा। और न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन घटाएंगे तो ये आपका 17 जब घटाएंगे तो कुछ आएगा, तो ये चीज़ न्यूट्रॉन हो जाएगा। और आपका इलेक्ट्रॉन ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव है ना, जब क्लोराइड में जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका 18 हो जाएगा। ये चीज़ है, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन डिफर कर रहा है। क्या डिफर करेगा 211 में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्लोराइड आयन क्लोरीन एटम इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके निगेटिव में चला जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो रहा है ना, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का डिफर कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुइच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, वही टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन वाली। तो इसमें से कह रहा कौन सा इसमें नहीं होता, आयरन होता है, फिर आपका वैनेडियम भी होता है, वैनेडियम का कितना होता है 23 होता है, कापर भी होता है 29, बट सिल्वर आपका कहाँ आता है, सिल्वर देखिए सिल्वर आपका कहाँ पे जाएगा, आपका ये फर्स्ट ट्रांजिशन में नहीं जाएगा, सेकंड ट्रांजिशन में जाएगा। सिल्वर का क्या होता है 47 होता है क्रमांक नंबर, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल आयन। अब इसमें क्या कह रहा है, स्टेबल आयन आपको बताना है, तो कौन सा इसमें स्टेबल आयन है। तो 214 का कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड देखिए, यस ई टू निगेटिव, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेबल आयन, कौन सा इसमें लार्जेस्ट स्टेबल आयन है, तो लेड जो होता है ये लार्जेस्ट स्टेबल आयन इसमें है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखना है कौन सा इसमें करेक्ट है। तो 235 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है जब आप टॉप से कहाँ आते हैं, बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, पीरियाडिक मतलब ग्रुप में आते हैं। तो आप लगाइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप जब ऊपर से नीचे आएंगे तो घटता जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, सीजियम सोडियम का सबसे अधिक, फिर रूबिडियम, फिर सीजियम, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन एमंग द फॉलोइंग, इनमें से जो चारों दिया गया सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल कौन है, तो ये देखिए बेरिलियम जो है 1s2 2s2 होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, बेरिलियम 1s2 2s2 ड्यू टू इसमें फुली फिल्ड 2s सबसे आपको दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, लीस्ट टेंडेंसी करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने में सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा और बी निगेटिव बना लेगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि बी ई निगेटिव बना लिया, 1s2 2s2 होता है और 2s2 और 2pn1 हो जाएगा, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, तो इसीलिए तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, नेम द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फार्मिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, कौन सा है इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड फार्म करता है, तो वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सबसे अधिक कंपाउंड फार्म करता है अलग अलग तरीके से। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के रिगार्डिंग कौन सा आपको सही लगाएंगे, तो ये देख लीजिए आप लिखना रबर से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखना रबर से, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम का पोटेशियम से अधिक होता है, तो यहाँ चेंजेबल होता है, इसीलिए ये थोड़ा गलत करने का चांस हो जाता है, तो हम तो ऐसे याद किए थे लिखना रबर से, रबर से ऐसे याद किए थे,
लिख लिख मतलब लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबेडियम और सीजियम ऐसे याद कर सकते हैं। और ऐसे ना याद करें तो ये जान लीजिए ना कि जैसे आता है लिथियम के बाद ये कौन किस फर्स्ट ग्रुप का है, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबेडियम, रुबेडियम के बाद सीजियम, बस यहीं पर इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ पर पोटेशियम कर दीजिए, यहाँ पर सोडियम कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी का ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख़त्म हो गया, तो हाँ सभी क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट और क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पूरी पीरियडिक टेबल ख़त्म हो गया, आप थ्योरी का और क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं और बायोलॉजी, और नेक्स्ट हम लोग टाइम से क्या करेंगे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी कम वीडियो है तो वीडियो का नंबर फिजिक्स का बढ़ाएंगे ताकि अच्छे से फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर करें, चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएं, स्टेटस लगाएं चैनल के लिंक को, तेज़ी से ग्रो कराएं, तब मज़ा आएगा। तो चलिए, थैंक यू।